यहाँ पे देखिए, हर उसमें पूरे जो गैल्वेनिक सेल है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। तो प्राइमरी में कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी में वैसे सेल को हम लोग रखते हैं कि जो वन टाइम यूटिलाइज होता है, यानी जो यूज किए और वो डेड हो गया। यूज करने के बाद क्या हो गया, एक बार जब वो डिस्चार्ज हो गया तो वो खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो प्राइमरी सेल में आता है। सेकेंडरी सेल क्या है? सेकेंडरी सेल वैसे सेल होते हैं कि जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, यानी एक बार यूटिलाइज किया, डिस्चार्ज हुआ, फिर दोबारा चार्ज किया, फिर यूटिलाइज किया, फिर उसको चार्ज किया और यूटिलाइज किया, यानी चार्ज डिस्चार्ज होते रहता है। तो उसका एक लाइफ टाइम होता है कि इतने साल तक ये जो है सेल जो है, ये जो बैटरी है वो आपका वर्क करेगा, ठीक है? तो उसमें उस ड्यूरेशन में वो चार्ज डिस्चार्ज होते रहेगा, जैसे आपका इन्वर्टर का बैटरी वगैरह है। फ्यूल सेल क्या है कि इसमें कंटिन्यूअस हमको इनपुट देना पड़ता है, इसके वर्क करने के लिए हमको जो है जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको कंटिन्यूअस प्रोवाइड कराना पड़ता है, कंटिन्यूअस उसका सप्लाई हमको देना पड़ता है। सप्लाई अगर रोक देंगे वो काम नहीं करेगा, फिर से सप्लाई शुरू कर देंगे वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो है प्राइमरी सेल, उसमें फर्स्ट जो हम लोग जनरली जो यूटिलाइज करते हैं वो देखते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल इसलिए कि इसमें कोई भी लिक्विड नहीं होता है, पेस्ट बस होता है, लिक्विड नहीं, बस डस्ट और पेस्ट होता है, ठीक? इसमें लिक्विड लीकेज वगैरह का वो चांस नहीं रहता। लीकेज का चांस कब रहता है? जब ये गल जाएगा, जब ये बिल्कुल आपको जब इसका जो है एनोड जो है वो बिल्कुल डीके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो वहां से क्या होता है कि वहां से जो पेस्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, वो बाहर निकलने लगता है, जिसपे आपको फंगस वगैरह ये सब आके बैठ जाता है। तो इसमें देखिए, ये सेल जो है यहाँ पे हम लोग एनोड जो है एनोड बनाते हैं किसका? जिंक का। यानी एनोड कौन सा हुआ? एक मिनट जरा हमको पेन एक्टिव कर लेने दीजिए। देखिए, इसमें जो आउटर कंटेनर है ये कंटेनर होता है एनोड, और ये बना होता है आपका जिंक का। और जिंक जो एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो, ये जिंक जो है Zn2+ में ब्रेक होता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये रिलीज करता है, ठीक? और यहाँ पे जो कैथोड होता है वो कैथोड आपका बना होता है ग्रेफाइट का, और ये बीच वाला जो स्टिक आपको दिख रहा है ये वाला, ये स्टिक जो दिख रहा है ये है आपका कैथोड। देखिए, एक चीज आपने देखा होगा, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे जो एनोड है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और एनोड जो है वो निगेटिव चार्ज। जबकि वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस में दोनों अलग अलग चीज था। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो था वहां पे एनोड जो था हमारा वो पॉजिटिव होता था और कैथोड निगेटिव होता था। तो दोनों का बस ये होता है, देखिए क्या है कि दो लोग हैं ए और बी। ए जो है इसको कुछ दिया तो ए क्या होगा? पॉजिटिव, और बी क्या होगा? निगेटिव। तो हम अगर ए हैं तो हम क्या है यहाँ पे डोनेट करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो हम ए के प्रोस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो हम हो गए देने वाले और वो हो गया लेने वाला, इसलिए वो निगेटिव हो गया। अगर हम बी की तरफ से चले जाते हैं तो बी के तरफ से क्या होता है कि बी यहाँ पे लिया, ठीक है? तो बी के पास क्या हो जाता है? डिपोजिटर है बी, बी के पास सामान आएगा, ठीक है? तो बी को क्या करना है यहाँ पे, बी अब
ये काम उल्टा हो गया। वहां पे क्या था कि हम लोग एनर्जी देते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या होता है बैटरी से क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, यानी अब जो लेने वाला था वो देने वाला हो गया, रिटर्निंग। तो यहाँ बी जो हो गया वो रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, बस ये कंडीशन होता है, बस ये उलट जाता है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में, दोनों का डिफरेंसेस जब हम लोग लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वहाँ पे एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है यहाँ पे आपका एनोड जो होता है वो है आपका निगेटिव और कैथोड जो है वो है पॉजिटिव। तो क्या होता है, एक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया जाता है केमिकल एनर्जी को एक्सेलरेट करने के लिए या शुरू करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। तो कॉन्सेप्ट उल्टा है, हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वाइंस है उसके टू साइड्स हो गए, वन साइड हेड एंड अदर साइड टेल, लेकिन है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, फंक्शन एक ही का है, एक ही तरह का है दोनों का शेप एंड साइज, बस क्या है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है, एक में जहां एनोड कैथोड होता है वहां कैथोड एनोड हो जाता है। ये कैसे आप समझ सकते हैं, देखिए जब आपने ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखे होंगे तो कोई भी बताता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगाया, ठीक है, बैटरी का एक सिरा यहाँ से जुड़ा, एक सिरा यहाँ से जुड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, यहाँ हो गया कैथोड और यहाँ हो गया एनोड। ठीक है, इसमें वो चीज उल्टा हो जाता है, यहाँ जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा आपका कैथोड और ये हो जाएगा जो निगेटिव है ये हो जाएगा एनोड। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एनोड पे हर समय ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से हम लोग जब वहां करते हैं तो वो चीज हर समय सेम आता है, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाता है, जहां पे रिडक्शन होगा वो आपका कैथोड कहलाता है, बस इतना ध्यान रखिए, वो कभी भी मिस नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए एनोड हम लोग किसको लेते हैं, ये जिंक को, ये जिंक का कंटेनर होता है, ठीक है, पहले का आपने सेल देखा होगा उसके चारों तरफ कागज का कवर होता था, पेपर कवर होता था, इसीलिए वो लीक करता था। अब का जो आप सेल देखेंगे उसके चारों तरफ मेटालिक कवर होता है एल्युमिनियम का, इसलिए वो लीक नहीं करता है, वो भले पिचकने लगेगा इधर उधर से दबने लगेगा लेकिन लीक जल्दी नहीं करेगा। तो ये कंटेनर हो गया, उस कंटेनर के बीच में, इस कंटेनर के बीच में कलर भरे हुए होते हैं, कलर बोल रहे हैं कि इस कंटेनर के बीच में केमिकल भरे हुए होते हैं इधर, और ये केमिकल होता है आपका NH4Cl, NH4Cl एंड ZnCl2, ये केमिकल होता है। समझे, NH4Cl एंड ZnCl2, ये जो केमिकल होते हैं ये केमिकल आपको इस कंटेनर में स्टोर रहते हैं, किसके साथ,
एनोड के साथ जिंक कंटेनर में, और ये जो होता है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो सेल में दो कंटेनर यूटिलाइज किए जाते हैं और दोनों कंटेनर में अलग अलग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होते हैं।